अगर आपकी एयरटेल की सिम में नेट बहुत स्लो चल रहा है या फिर आपकी एयरटेल की सिम में नेटवर्क आते जाते रहते हैं जिससे आपकी इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और कभी कभी तो नेट भी नहीं चलता होगा, वेल अगर आपको भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसी प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं आएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 2024 में एयरटेल के लिए बेस्ट एपीएन सेटिंग बताने वाला हूँ। तो पहले वीडियो को पूरा देख कर सारे प्रोसेस को अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप भी अपने फोन में अच्छे से सारी सेटिंग को अप्लाई कर पाओगे। तो अभी दोस्तों आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप है। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करोगे। मोबाइल की सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा रीसेट, RESET, ठीक है। जैसे दोस्तों आप रीसेट सर्च करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी, रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे आपको तीन सेटिंग देखने को मिलेगी, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग एंड इरेज ऑल डाटा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने पैटर्न को दिया हुआ होगा तो वो देना, नहीं तो आप फिंगरप्रिंट दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन के नेटवर्क की सारी सेटिंग रीसेट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से पूरा बैक आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आप फिर से आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करोगे। मोबाइल की सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी, मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल में एयरटेल वाली सिम पे क्लिक करोगे। इसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एक सेटिंग देखने को मिलेगी, डाटा रोमिंग, इसको आपको ऑन कर देना है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोस्तों इसको आपको ऑन करके रखना चाहिए। कई बार दोस्तों आपके फोन में रोमिंग वाले नेटवर्क आ जाते हैं तब भी दोस्तों आपके फोन में इंटरनेट नहीं चलता है, ठीक है, तो आप इसको ऑन कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपके फोन में एक और सेटिंग दिखेगी, वाईफाई कॉलिंग, ये भी आपके फोन में ऑफ हो सकती है, तो इस सेटिंग को भी आपको ऑन कर देना है। तो अब दोस्तों बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी, प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, ठीक है। तो हो सकता है आपके फोन में ये 2G पे सिलेक्ट हो या फिर 3G 2G पे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मेरे फोन में है 5G 4G 3G 2G, ठीक है। ऑटोमेटिक कोई भी नेटवर्क आएगा तो इसमें ऑटोमेटिक नेटवर्क आ जाएगा। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग मिलेगी, एक्सेस पॉइंट नेम्स, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके फोन में एक डिफॉल्ट एपीएन रहता है वो वाला होगा, ठीक है। बट दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से आप नया एपीएन को क्रिएट करोगे, जिससे दोस्तों जो फोन के नेटवर्क का इशू रहता है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद रीसेट ऑल एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे रीसेट एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करोगे, इसके बाद दोस्तों ये जो एपीएन है रीसेट हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि नया एपीएन आप कैसे क्रिएट करोगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहां पे दोस्तों आपको मिलेगा नेम, ठीक है, तो नेम पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे टाइप करना है एयरटेल, AIRTEL, एयरटेल। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्स ऑन करना है, मतलब जी बड़ी बनानी है, और गीगा लिखना है, GIGA, ठीक है, गीगा। फिर नेट लिखोगे जिसमें एन बड़ी होगी, उसके बाद टी नेट, उसके बाद मैक्स, ठीक है। मैक्स के सारे अक्षर आपको बड़े लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे एयरटेल गीगा नेट मैक्स। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ APN पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है airtelgprs.com, सारे अक्षर छोटे रहेंगे तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ प्रॉक्सी को ऐसा ही छोड़ देना है, पोर्ट को ऐसा ही छोड़ देना है। इसके बाद आपको यूजर नेम पे क्लिक करना है। यूजर नेम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डालोगे स्पीड बोर्ड मैक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, जिसमें स्पीड में एस बड़ा रहेगा, उसके बाद PEED, फिर स्पीड बोर्ड बी बड़ा रहेगा, फिर OT, ठीक, बोर्ड। उसके बाद दोस्तों आपको टाइप करना है मैक्स, ठीक है, मैक्स के सारे अक्षर बड़े रहेंगे। तो यहाँ पे आपको मैक्स टाइप करने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सर्वर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है, सारे अक्षर स्मॉल में रहेंगे, www.
गूगल, ठीक है, इस तरीके से गूगल लिखोगे, google.com, ठीक है, सारे स्मॉल लेटर रहेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, ये सारी सेटिंग को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा ऑथेंटिकेशन टाइप, ठीक, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको PAP पैप पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको IPv4 इस वाली सेटिंग पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक और सेटिंग देखने को मिलेगी, वेरियर, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको LTE, HSPAP, SSPA, इस तरीके से ये जो सारी सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ADG, GPRS, इस तरीके से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में ये सारी सेटिंग नहीं सिलेक्ट हो रही है तो आप LTE को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक और सेटिंग दिखाई देगी, MVNO टाइप, ठीक, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नन पे क्लिक करना है। नन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस सेटिंग को यहां से सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों आपको यहां से एक बार बैक आ जाना है, पूरा बैक आ जाओगे। इसके बाद दोस्तों आप अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट करोगे, तो मैं यहां पे कर लेता हूं, ठीक है, यहां पे रीस्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। आपको भी अपने फोन को रीस्टार्ट करना है, उसके बाद का जो प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूं। फिर दोस्तों जैसे ही आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करोगे। मोबाइल की सेटिंग ओपन करने के बाद मोबाइल नेटवर्क में जाओगे, और यहाँ आपको सिम वाली सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों अभी आपने जो APN क्रिएट करा है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको पूरा बैक आ जाना है, और आप इस रिसेंट टास्क को क्लियर कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आप 1 से 2 मिनट वेट करने के बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल में नेट को यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे आपके फोन का जो इंटरनेट है काफी अच्छे तरीके से चलने लगेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। ये सारी सेटिंग अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में इंटरनेट फास्ट हुआ है कि नहीं, ये कमेंट करके जरूर से बताना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना।